डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डॉग टाइम्स न्यूज सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी का जनपद रायबरेली। रायबरेली जिला अस्पताल में जहर पुराने का शिकार एक व्यक्ति को भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ के उदयपुर थाना क्षेत्र के शिवा कपूरवा निवासी रामनाथ यादव पुत्र राम खेलावन यादव पूना में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। परिजनों के अनुसार वह पूरे से अपनी माँ से मिलने आ रहे थे, तभी रास्ते में किसी ने उन्हें नशीला पदार्थ खिला दिया, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। गंभीर हालत को देखते हुए बस के कंडक्टर ने परिजनों को फोन कर सूचना दी, जिस पर परिजन प्रतापगढ़ अस्पताल पहुंचे। वहां से रामनाथ यादव को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रायबरेली में भर्ती कराया गया है। परिजन के अनुसार रामनाथ के हालत में सुधार होने के बाद ही पता चल पाएगा कि उनके पास क्या क्या सामान था, क्योंकि बस परिचालक द्वारा एक बैग दिया गया है और क्या वह लेकर चले थे, इसकी जानकारी रामनाथ के होश में आने के बाद ही मिल सकेगी। डॉग टाइम्स न्यूज के लिए रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, कहाँ रहने वाले? हमारा नाम सरोज यादव है, हम नरवा सराय में रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? ये शिवा के पूर्वा में रहते हैं। थाना कौन सा? थाना उदयपुर। जिला प्रतापगढ़। क्या लगते हैं आपके? ये हमारे पिता हैं। क्या हुआ इनको? ये पुणे से आ रहे थे अपनी माता जी से मिलने, तो इन्हें रास्ते में किसी ने दवा फेंक दिया कि खिला दिया, ये बेहोश पड़े थे। तो वहाँ पे एक बस कंडक्टर ने वहाँ पे पूना में फोन किया हमारे भाई के नंबर पे। क्या कुछ लूट उट भी हुई है इनके साथ? अब पता नहीं, एक बैग मिला हुआ है, अब क्या लिए थे हमें ये पता नहीं है, और कंडक्टर ने एक बैग दिया है, और जे मतलब अब क्या था उनके पास क्या नहीं था अभी हम नहीं जानते। डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहाँ खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।